अरे भैया मेरी, राम राम भाई। अभी यहाँ पे एक है, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? डॉक्टर अशोक दीक्षित। अच्छा जी, ब्राह्मणों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि कुछ ब्राह्मण शायद बीजेपी में भी हैं, कुछ ब्राह्मणों ने समर्थन दे दिया था यहाँ पर भी, राजकुमार सैनी जी के में भी, लेकिन एक दो कहीं और भी हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को पिछले 10 दिन से यहाँ मैं जींद में हूँ, और लगभग जो जींद के गांव हैं, कॉलोनियां हैं, उनमें मैं सब ब्राह्मणों से मिल चुका हूं। ब्राह्मण सभाओं की मीटिंग हो चुकी है। पंडित हरिराम दीक्षित जी एक हमारे बहुत बुजुर्ग और सम्मानित, जिन्होंने 10% ईपीबीजी की जो लड़ाई लड़ी, उस योद्धा ने ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मणों की मीटिंग बुला के, जिसमें 400-500 ब्राह्मण थे, और उस दिन आप भी मौजूद थे, और उसमें मेरे को फिर बाहर निकाल दिया गया था, भाई प्रेस वाला इसको बाहर निकालो। वो हम जब तक कोई फैसला ना था उस टाइम से पहले हमने प्रेस वालों से विनती की थी कि जब तक हमारी मीटिंग पूरी तरह से ना हो, अच्छा, तब तक हमारी कोई बात बाहर ना निकले, इसलिए हमने माफ़ी मांग के पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। ठीक है। और उसमें फैसला सर्वसम्मति से सब ब्राह्मणों ने ले लिया था कि एक तरफा जो है विनोद आसरी जी को हमने सपोर्ट भी करना है, वोट भी करना है, और उनके लिए वोट मांगनी भी है। आज मैं कहता हूँ, और वो चुनाव आपको 28 तारीख को ऑटो रिक्शा का जो हमारा चुनाव चिन्ह है, उस पर पूरा ब्राह्मण समाज बटन दबा के आसरी जी की जीत को सुनिश्चित तो करेगा ही करेगा, लेकिन जीत का इतना बड़ा अंतर देगा कि वो अंतर हारने वाले कैंडिडेट जो हमारे से होगा उतना बड़ा अंतर उसका होगा, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट से, आत्मा से, मन से आज पंडित विनोद आसरी के साथ लग चुका है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ लग चुका है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जी, इन्होंने कहा कि पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर विनोद आसरी जी के साथ है, आपका कहना है? चेकमेंट में लिख दियो भाइयों, राम राम।